स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक गायत्री मंत्र के यो अक्षर की व्याख्या प्राणघातक व्यसन डे 5 कोकीन का घातक व्यसन। कोकीन में अन्य घातक पदार्थों के साथ साथ भयंकर विष होते हैं जो डॉक्टर बेनेट के मतानुसार श्वास प्रणाली, ग्रंथि प्रणाली और रक्त प्रवाह प्रणाली पर घातक प्रभाव डालते हैं। इसका उपयोग प्रायः उच्च वर्ग के व्यक्ति करते हैं जो सामाजिक बंधनों के कारण शराब या अफीम का खुला उपयोग नहीं कर पाते। भारत में वेश्याओं के यहाँ इसकी अधिक खपत है। व्यभिचारी व्यक्ति प्रायः इसका प्रयोग क्षणिक उत्तेजना के लिए किया करते हैं। इसके नशे से वे सत असत विवेक बुद्धि को भूल जाते हैं। कोकेन के दुष्परिणाम बड़े भयंकर हैं। इससे पाकाशय के स्नायु तथा ज्ञान तंतु अकर्मण्य हो जाते हैं। फलतः दो दो तीन तीन दिन क्षुधा प्रतीत नहीं होती, शरीर कृश हो जाता है। आरंभ में कोकेन के प्रयोग से ज्ञान तंतु और स्नायु के उद्गम स्थान पर कुछ झंझनाहट और वेग प्रतीत होता है, परंतु यह आवेग आधा घंटे से अधिक शेष नहीं रहता। उतार प्रारंभ होने पर हृदय डूबता सा मालूम होता है। संपूर्ण शरीर पर आलस्य एवं नराशय की भावना छा जाती है। एक प्रकार का शैथिल्य एवं शारीरिक निर्बलता सर्वत्र छा जाती है। कोकेन खाने की आदत अन्य मादक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक लुभावनी है, परंतु बड़ी भयानक भी है। इससे शारीरिक, मानसिक और आचारिक निर्बलता उत्पन्न हो जाती है। थोड़े समय तक इसका अभ्यास करने से इसके खाने और प्रभाव देखने की एक अनियंत्रित इच्छा प्रकट होने लगती है। सो किसी प्रकार तृप्त नहीं हो पाती और बिना जान लिए शांत होती नहीं। कोकीन वास्तव में ईश्वरीय कोप स्वरूप है, जिसके फंदे में फंसने से अकथनीय दुर्गति होती है। हमारी सभ्यता का कलंक, नैतिक चरित्रहीनता। आज की दुनिया में शराब, गांजा, सिगरेट, पान इत्यादि तो गजब ढा ही रहे हैं, किंतु उससे भी महाभयंकर समस्या मानसिक और नैतिक चरित्रहीनता की है। नशा पीकर बुद्धि विकारग्रस्त होती है तथा मनुष्य मानसिक व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। वासना मूलक कल्पनाओं के वायुमंडल में फंसा रहने से प्रत्यक्ष व्यभिचार को की ओर दुष्प्रवृत्ति होती है। व्यभिचार हमारी सभ्यता का कलंक है, जिस पर जितना लिखा जाए कम है। व्यभिचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिससे मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और नैतिक पतन होता है। परिवारों का धन, संपदा, स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े राष्ट्र विस्मृति के गर्त में डूब जाते हैं। परिताप का विषय है, नाना रूपों में फैलकर व्यभिचार की महाव्याधि हमारे नागरिकों, समाज, गृहस्थ एवं राष्ट्रीय जीवन का अधःपतन कर रही है। इसके परिणामों का उल्लेख करते हुए हृदय कांप जाता है। आज की पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों को देखिए, आज के समाज का आईना आपके समक्ष आ ही जाएगा। ना मर्दी, नपुंसकता, वीर्यपात, स्वप्न दोष, गर्भपात करने आदि के साथ अजीबोगरीब दूषित विज्ञापन पत्नोन्मुख समाज का खाका हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। सिनेमा विनाश या मनोरंजन। सभ्यता के आवरण में जिस मनोरंजन ने सबसे अधिक कामुकता, अनैतिकता, व्यभिचार की अभिवृद्धि की है, वह है सिनेमा तथा हमारे गंदे विकारों की उत्तेजित करने वाली फिल्म, जिनकी तस्वीरें और खराब गाने। अमेरिकन फिल्म को के अनुकरण पर हमारे यहाँ ऐसे चित्रों की सृष्टि वृहद संख्या में हो रही है, जिनमें उत्तेजक गीतों आदि संबंधी वार्तालापों की भरमार है। रेडियो द्वारा गंदे संगीत से कामुकता का प्रचार हम सहन कर लेते हैं और घर घर में बच्चे, बूढ़े, युवक युवतियां गंदे गीत माता पिताओं के सामने सुनते रहते हैं। फिल्मी संगीत इतने निम्न स्तर का होता है कि उसके उदाहरण देना भी महापाप है।
जहां बालकों को रामायण, गीता, तुलसी, सूर, कबीर, नानक के सुरुचिपूर्ण भजन याद होने चाहिए, वहां हमें यह देखकर नतमस्तक होना पड़ जाता है कि अबोध बालक फरमाइशी रिकार्डो के अश्लील गाने स्वच्छंदतापूर्वक गाते फिरते हैं। ना कोई उन्हें रोकता है, ना उन्हें मना करता है। ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हैं वे, उनके हृदय में उनकी तरंगे उठती चली जाती हैं। इन गीतों तथा फिल्मों के गंदे स्थलों की कुत्सित कल्पनाएं उन्हें अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर देती है। वे इसी ओर प्रवृत्त होते चले जाते हैं। उगती पीढ़ी के लिए यह कामांधता खतरनाक है। बचपन के गंदे दूषित संस्कार हमारे राष्ट्र को कामुक और चरित्रहीन बना देंगे। सिनेमा से लोगों ने चोरी की नई नई कलाएं सीखी, डाके डालने सीखे, शराब पीना सीखा, निर्लज्जता सीखी और भीषण व्यभिचार सीखा। सिनेमा के कारण हमारे युवक युवतियों में किस प्रकार स्वेच्छाचार बढ़ रहा है, इसके कई सच्चे उदाहरण तो हमारे सामने आते ही हैं। पता नहीं लाखों करोड़ों कितने तरुण तरुणियों पर इसका जहरीला असर होता है, फिर भी हम इसे मनोरंजन मानते हैं। समाज के इस पाप को दूर करना चाहिए, अन्यथा अनैतिकता, व्यभिचार, स्वच्छंदता तमाम सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर देगी। सिनेमा ने समाज में खुले आम अश्लीलता, कुचेष्टा, घृणित संबंध, शराबखोरी, फैशन परस्ती, कुविचारों की वृद्धि की है। यदि गंदे फिल्म ऐसे ही चलते रहे तो राष्ट्रीय चरित्र का और भी खोखलापन, कमजोरी और ढीलापन अवश्यम भावी है। यदि हमारे युवक युवतियां अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के पहनावे, श्रृंगार, मेकअप, फैशन, पैंट, शर्ट, साड़ियों का अंधानुकरण करते रहें तो असंयमित वासना के द्वार खुले रहेंगे। गंदे फिल्म निरंतर हमारे युवकों को मानसिक व्यभिचार की ओर खींच रहे हैं। उनका मन निरंतर अभिनेत्रियों के रूप, सौंदर्य, फैशन और नाच नखरों में भावरे की तरह अटका रहता है। इन गंदी कल्पनाओं को समीप के स्थानों में प्रेमिका खोजकर कुचेष्टाओं में चरितार्थ करते हैं। अश्लीलता के इस प्रचार पर सरकार द्वारा कड़ा नियंत्रण लगाना चाहिए। आखिर शहर में रोग क्यों ना बढ़े, इस प्रश्न का विश्लेषण करते हुए आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं, शहर के लोग ठीक व्यायाम नहीं करते, घरों में बैठे रहते हैं, उनको अच्छी हवा नहीं मिलती, अधिक कपड़े पहनते हैं जिससे सूर्य की किरणों से वंचित रहते हैं, घर भी ऐसा बनाते हैं जिनमें प्रकृति से दूर रहना पड़ता है, काम भी ऐसा जिनमें कुदरत से कोई प्रयोजन नहीं, फिर रात को जागेंगे, सिनेमा देखेंगे, खराब किताबें पढ़ेंगे, इस प्रकार अपने शरीर और मन को विकृत करते रहते हैं तो रोग बढ़ेगा ही। धन्यवाद। क्रमशः ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।